इवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है, कि क्रूड ड्रग की इवेल्यूएशन कैसे होती है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि जो क्रूड ड्रग्स होती है ना, क्रूड ड्रग्स, इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक होती हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और एक होती है बेटा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं जो बकायदा तौर पे कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स ऑर्गन्स, ये वो ड्रग्स होती हैं जो बकायदा तौर पे प्लांट्स के ऑर्गन्स पर मुश्तमिल हो। अब ऑर्गन्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लीफ है, स्टेम है, रूट है, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसमें मतलब ये वो ड्रग्स हैं जो किसी ना किसी पौधे के पार्ट पर मुश्तमिल होंगे। अब एग्जाम्पल भी लिख के देता हूं, जबकि ये जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं, डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो ये प्लांट के पार्ट्स पर मुश्तमिल नहीं होती। तो ये किस पे होती है बेटा, ये असल में ना लिक्विफाई ड्रग्स होती हैं जो कि प्लांट से निकाली जाती हैं, बाद में वो क्या हो जाती हैं, सॉलिडिफाई हो जाती हैं। तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखें जी ऑर्गेनाइज ड्रग्स की एग्जांपल क्या है, ऑर्गेनाइज ड्रग्स, ये मैं आपको यूं बता रहा हूं कि आगे इनका जिक्र आएगा जी। ऑर्गेनाइज ड्रग्स में हमारे पास सेना लीफ इसके अंदर शामिल है, सिनेमन बार्क, अच्छा जी रोवुल्फिया, रूबार्ब, ये दोनों के दोनों बेटा रूट ड्रग, ठीक है, इनका ताल्लुक रूट से। जबकि अगर हम देखें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को देखें तो इसमें हमारे पास कैम्फर, इसको कफूर कहते हैं, कल मैंने आपको दिखाया भी था। अच्छा, इसके बाद मैस्टिक, वो भी आपको दिखाई थी, गम, ठीक है, अकाशिया, ये सब की सब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है बेटा। अच्छा, तो वर्ड है इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, कि मतलब अगर कोई क्रूड ड्रग आपको दी जाए तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ क्रूड ड्रग, कि आप क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो बेटा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसको इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग कहते हैं। तो मतलब अगर एक क्रूड ड्रग आपके सामने मौजूद हो तो आप किस तरह से उस क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने इलायची पड़ी है, इलायची को कार्डामोम कहते हैं, तो आपको पता होता है इलायची कैसी होती है, इलायची एक फ्रूट है जो कि एक हार्ड कैप्सूल पर मुश्तमिल है, जो कैप्सूल उसी कवरिंग को कहते हैं, तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं ये इलायची है। लेकिन अगर आपकी आंख में पट्टी बंधी हुई है और इलायची आपको दी जाती है तो आपको सूंघ के भी पहचान सकते हैं कि ये इलायची है। तो बेटा चीजों को देखकर, सूंघकर, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करके, केमिकल टेस्ट करके, बायोएसिड टेस्ट करके जब आप एक क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग कहते हैं। मैं एक मिनट जरा जा रहा हूं दोबारा आपकी साइट की तरफ, अगर कोई स्टूडेंट ऐड हुआ है तो मैं उसको बेटा ऐड कर देता हूं। जी स्टूडेंट आ गया है, एक शर्मत सत्ता, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग ये हमारा टॉपिक है। तो डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिटरमिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। मतलब तीन चीजें इसमें शामिल हैं। नंबर वन, पहली चीज है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन शनाख्त, ठीक है, यह भी पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, क्वालिटी, उससे मतलब होता है मेयार। और तीसरी चीज है प्योरिटी, उसका मतलब होता है खालिसपन। तो जब आप इन तीनों को परफॉर्म करते हैं ना तो इसका मतलब है कि यू आर इवेल्युएटिंग द ड्रग, कि आप ड्रग को इवेल्युएट कर रहे हैं
आप ड्रग को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि वो ड्रग किस तरह की है, आप ये देखना चाहते हैं कि वो ड्रग की अफादियत क्या है, आप ये देखना चाहते हैं उस ड्रग का टेक्सचर कैसा है, तो ये सारा किसके अंदर आता है बेटा, इवैल्यूएशन के अंदर। तो जब भी आप इवैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे ना बेटा, तो उसमें ड्रग को आइडेंटिफाई भी करेंगे, उसकी क्वालिटी को भी मैयर करेंगे, उसकी प्योरिटी को भी मैयर करेंगे, और इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग कहते हैं। फॉलोइंग मेथड्स आर फ्रीक्वेंटली इंप्लॉय फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। बेटा किसी बच्चे का ना माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दें। अब ये देखें बेटा कौन कौन से मेथड हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन और मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ये टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मेथड बेटा मौजूद हैं, और इन मेथड को बेटा हम 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन और मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बेटा ऑर्गेनोलेप्टिक मीन्स यूअर सेंस ऑर्गन्स। अच्छा अब देखें बेटा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मतलब ये वो इवैल्यूएशन है कि जिसमें आप अपने सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं। देखो बेटा अल्लाह पाक ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, ठीक है, जिसमें स्मेल के लिए नोज है, ये देखें ये नोज, देखने के लिए आईज है बेटा, और टेस्ट चेक करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें टंग दी है, जुबान, सुनने के लिए एयर दी है, और बेटा टच करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें स्किन दी है, ठीक है। तो जब आप अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस मेथड को ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। इट मींस दैट द इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग बाय द ऑर्गन ऑफ सेंसेस, कि आप अपने सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें स्किन, आईज, टंग, नोज और एयर शामिल, और इसको हम मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। बेटा हम इसको मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। जो वर्ड है ना बेटा मैक्रो, मैक्रो मीन लार्ज ऑब्जेक्ट, हर वो चीज जो बगैर माइक्रोस्कोप के आप देख सकते हैं उसको आप मैक्रो कह सकते हैं, लेकिन हर वो चीज जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसको आप मैक्रो नहीं कह सकते, उसको आप माइक्रो कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें शामिल क्या है, इट इंक्लूड्स इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग बाय द कलर, कि आप किसी भी ड्रग के कलर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर, उसकी खुशबू को, ऑर्डर से मतलब क्या होता है बेटा, खुशबू, कि आप उसकी खुशबू को महसूस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर लाइक टच एंड टेक्सचर, टेक्सचर कहते हैं अपीयरेंस को, कि फिजिकली वो ड्रग है कैसे, तो ये सारा कुछ इस्तेमाल करते हुए आप उस ड्रग को क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द कलर मीन एक्सटर्नल कलर विच वेरी फ्रॉम व्हाइट टू ब्राउनिश ब्लैक, कि बेटा अगर पौधों में सफेद कलर से लेकर ब्राउनिश ब्लैक कलर है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई मेडिसिनल एजेंट मौजूद है, और वो मेडिसिनल एजेंट अल्लाह पाक ने किसी ना किसी बीमारी के खिलाफ रखा है, और इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक करेक्टर, मतलब इनके जो डायग्नोस्टिक करेक्टर है वो क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा जर्नल अपियरेंस में एक्सटर्नल मार्किंग ऑफ द वेट ऑफ द क्रूड ड्रग, इसमें वेट आ जाता है, ऑफन इंडिकेट इट लाइकली टू कंप्लाई विद प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड और नॉट। अब जैसा कि एक क्रूड ड्रग है, हम ये कहते हैं कि उस क्रूड ड्रग का वजन 10 ग्राम है, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर उसका वजन 10 से कम है, लेस देन 10 कह लो, 9 कह लो, तो उसका मतलब वो फिर क्या कहलाएगी, वो फिर सब स्टैंडर्ड कहलाएगी, मतलब वो ऐसी ड्रग नहीं है कि जिसको आप स्टैंडर्ड के तौर पर देख सकें। द टेस्ट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसेशन फेल्ट बाय एपिथेलियल लेयर ऑफ द टंग। देखिए अल्लाह पाक ने ना, ये देखिए ये हमारी जबान है, ये देखिए ये जबान है, ठीक है, इसके ऊपर ना छोटे छोटे से अल्लाह पाक ने टेट्स बर्ड्स रखे होते हैं, ये देखें ये टेट्स बर्ड, टेट्स बर्ड्स, और ये टेट्स बर्ड्स जो है ना किसी भी
जायके को महसूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको इतना बता दूं बेटा कि जो हमारी ज़बान है ना, इसको हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें स्वीट टेस्ट के लिए अलग एरिया है, सोअर टेस्ट के लिए अलग एरिया है बेटा, इसके साथ साथ बिटर टेस्ट के लिए अलग एरिया है, और एल्कलाइन टेस्ट के लिए बेटा अलग एरिया है, ठीक है। इट इज़ फेल्ट बाय द एपिथीलियल लेयर ऑफ द टंग, इसको बेटा हम जबान की जो एपिथीलियल लेयर है उसकी मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। इट मे बी एसिडिक, अगर एसिडिक होगा तो खट्टा होगा। देखो बेटा एसिड होता है ना, वो खट्टा होता है। अच्छा, सलाइन, सलाइन से मतलब क्या है, सॉल्टी, नमकीन होगा ये, और सैकरिन मीठा होगा, और बिटर से मतलब कड़वा होगा। ये सब हम अपने जबान की मदद से महसूस कर सकते हैं। अरोमेटिक ऑर्डर ऑफ अम्बेलीफेरी फैमिली, बेटा अम्बेलीफेरी फैमिली में फैनल आ जाती है, कॉर्डमोम आ जाता है, तो ये अम्बेलीफेरी फैमिली है। और स्वीट टेस्ट ऑफ द लिकोराइस, लिकोराइस कहते हैं मलट्ठी को, ठीक है। मलट्ठी को अगर आप टेस्ट करके देखेंगे ना, उसकी जो रूट है ना, वो भी उस पर भी मिठास आपको मिलेगी। तो वैसे अगर मलट्ठी आपके सामने पड़ी हो ना, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी शक्ल की और भी रूट्स होती हैं। लेकिन जब आप उसको चख के देखेंगे ना, तो वो आपको मीठी लगेगी, बाकी आपको मीठी नहीं लगेंगी। तो आप उसकी मिठास को देखते हुए बता सकते हैं कि ये लिकोराइस है, और लिकोराइस को हम ग्लाइसी राइजा कहते हैं, ग्लाइसी राइजा, ठीक है। आगे है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग डिपेंड अपॉन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ ऑर्डरस प्रिंसिपल दैट इज वोलेटाइल ऑयल। मतलब अगर हम इसमें कहते हैं कि कोई खुशबू है ना, तो वो खुशबू किसकी वजह से होती है, वोलेटाइल ऑयल की वजह से। कल मैंने आपको बताया था ना, पेपरमिंट में वोलेटाइल ऑयल है बेटा, फेनल में वोलेटाइल ऑयल है, कार्डमोम में वोलेटाइल ऑयल है। तो ये बेटा वो चीजें हैं जो कि अपनी महक देती हैं, अपनी खुशबू देती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो कि इवेपोरेट होती है, और इवेपोरेट होने के बाद वो खुशबू के तौर पर आपको सामने आती है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। इसमें आप सबसे पहले करते क्या है, देखो बेटा क्रूड ड्रग लेके उसको आप पहले फाइन ग्राइंड करते हैं। फाइन ग्राइंड से बड़ा बारीक बारीक जरात में तब, यानी कि पाउडर बना लेते हैं, और फिर आप उसको फाइन ग्राइंड करने के बाद, पाउडर बनाने के बाद, फिर क्या करते हैं बेटा, उसको एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पे थोड़ी सी क्रूड ड्रग रख देते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर कवर स्लिप, यानी कि यह स्लाइड है, ग्लास स्लाइड कौन सी है, और ये बेटा कवर स्लिप है, ठीक है, ये कवर स्लिप है। फिर आप इसको बेटा माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं, फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग, कि ये आपने एक मुकम्मल और एक डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं ड्रग की। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इसलिए मैंने वो टॉपिक आपको पहले पढ़ाया था। देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपसे बारे में पूछा जाता है बेटा कि बताएं वो कौन सा इवेल्युएशन का मेथड है जो कि ऑर्गेनाइज ड्रग के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप क्या बताएंगे, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग एंड नोन बाय देयर हिस्टोलॉजिकल करैक्टर। बेटा हिस्टोलॉजिकल से बात क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल करैक्टर मीन माइक्रोस्कोपिक करैक्टर, मीन्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक करेक्टर, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज फॉर द क्वालिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग इन एंटायर और पाउडर फॉर्म, कि मतलब आप इसको एंटायर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये किस में इस्तेमाल होता है बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ जाती है बात येस और नो की, कि कोई चीज है या फिर नहीं। यूजिंग द माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टिंग वेरियस सेलुलर टिश्यूज, जिसमें ट्राइकोमास है, ट्राइकोमास बेटा इस शेप के होते हैं, जैसे ट्राइंगल्स होती है ना इस तरह की, स्ट्रोमेटा आपको दिखाता हूँ, स्टार्च ग्रैनुल भी आपको दिखाता हूँ, कैल्शियम ऑक्सलेट और ग्रेन्स, ये सब इसके अंदर बेटा मौजूद है। ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, ये देख लें, ये आपके पास है, दिस इज द स्टार्च ग्रैनुल, दिस इज द फाइबर्स, ठीक है बेटा, दिस इज द स्ट्रोमेटास, ठीक है, और दिस इज द प्रोटीनियस फाइबर, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट है, ये देखिए इस स्लाइड में भी आपको यही पार्ट नजर आ रहे होंगे, देखिए स्टोमेटा है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रैन्यूल्स हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल बेटा मौजूद हैं। तो मतलब कहने का ये है
कि आप एक स्लाइड को रेफरेंस बना के उसकी मदद से किसी दूसरी स्लाइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये देखें बेटा, दीज आर द कैल्शियम, आप ये कैलेस्टा, ये सॉरी स्टार्च ग्रैन्यूल्स, स्टार्च ग्रैन्यूल्स ये आपको ऐसे नजर आएंगे, और ये आपके पास क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर, ठीक है। आज का लेक्चर बेटा यहां तक है, कल